ओके सो नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं पे ऑफ फेज। और इसमें अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखते हैं, वही पॉइंट्स जो मैंने स्टार्टिंग में कहे थे कि पे ऑफ फेज में आपके पास जो है वो NADH में प्रोड्यूस होना है, ठीक है, और इसमें ATP की प्रोडक्शन भी होगी। और थर्ड आपने ये चीज़ देखी थी कि इसमें आपके पास जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इस फेज में एंटर होंगे। फाइनली वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो जितने भी इस फेज के रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 6 to 10, वो आपके पास डुप्लीकेट रिएक्शंस होंगे। ये सारे पॉइंट्स आप माइंड में रखोगे तो पे ऑफ फेज को समझना आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि अभी प्रीवियस फेज के अंदर प्रोड्यूस हुई है, प्रीवियस फेज की जो एंड प्रोडक्ट है वो इस नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर हो रही है। सो हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और आपको ये पता है कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो कि पे ऑफ फेज में एंटर होंगे। सो इस वक्त मैं आप लोगों को ये रिएक्शन डुप्लीकेट में दिखा रही हूँ, लेकिन बाकी आने वाले जितने रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को पता होगा कि वो इसी तरह से डुप्लीकेट में होंगे, लेकिन मैं एक एक रिएक्शन से आप लोगों को जो है वो क्लियर करूँगी। सो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का वो मॉलिक्यूल है जो एल्डोलेस के स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। एल्डोलेस ने जब क्लीवेज की थी तो आपके पास ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ था। और ये आपके पास वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है जो इनडायरेक्टली डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से प्रोड्यूस हुआ था। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस टाइम कहाँ पे हैं? पे ऑफ फेज में। और पे ऑफ फेज का जो पहला स्टेप है आपके पास, जो पहला रिएक्शन है पे ऑफ फेज का, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी इस केस में आपका जो पहला रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसकी नेचर क्या है? ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इससे पहले हमने सिर्फ फॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया, बट दिस टाइम वी आर रेफरिंग टू अनदर प्रोसेस विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो इस टाइम पे ऑफ फेज में एंटर हुआ है, इसके ऊपर अटैचमेंट होती है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीन्स कि ये फ्री फॉर्म में जो फॉस्फेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वी ऑल नो के सेल के अंदर ATP, ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन सब मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। सो इनके पूल सेल के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। सो इस केस में आपके पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसकी अटैचमेंट होगी किसके साथ? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ। और ये अटैचमेंट किस तरह से होगी? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। बच्चों डीहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम से आप लोगों को याद आया होगा कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो डीहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम्स हैं ये हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखूँ तो ये जो एंजाइम आपके पास है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है? इसने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करवाना होता है ना, यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अपनी सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करवाते हैं और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डोनेट कर देते हैं। वो NAD+ भी हो सकता है, FAD+ भी हो सकता है। इस केस में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस के साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, दिस विल बी NAD+। सो ये एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देगा किसके ऊपर, NAD+ के ऊपर, उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, NADH+ प्रोटॉन में, बिकॉज वी ऑल नो कि NAD+ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोटॉन को एज इट इज मीडियम में रिलीज कर देता है। सो यहाँ पे भी आपके पास NAD+ और NADH+ प्रोटॉन। सो आपने जो फर्स्ट इवेंट है वो ऑब्जर्व कर लिया कि इस स्टेप में आपके पास NADH की प्रोडक्शन हो रही है। नाउ ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक्चुअली रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? जो NAD+ ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, ये रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट में कहाँ से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। सो इस केस में आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से रिलीज होगा, दिस हाइड्रोजन, और सेकेंड हाइड्रोजन का एटम आपका ये फॉस्फेट रिलीज करेगा, ठीक है। यानी एक ही सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रही। आपका एक एटम ग्लिसरल्डिहाइड-3-फॉस्फेट के पहले कार्बन एटम में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से रिलीज हो रहा है और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो फॉस्फेट में से रिलीज हो रहा है। यानी दोनों सबस्ट्रेट्स एक एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जिसको बाद में एक्सेप्ट कर लेता है NAD+। अब हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुई, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुई, सिमिलरली यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिलीज हुई, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुई। सो हाइड्रोजन को रिलीज करवाने के बाद यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन एटम में बॉन्डिंग का पोटेंशियल डेवलप हुआ है, एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दिस फॉस्फेट ग्रुप विल अटैच हियर। यानी आपके पास फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। सो ये जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है, ये फॉस्फेट ग्रुप अपने इस ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे अटैच हो जाएगा इन दिस वे। सो अब आप लोगों को समझ में आया कि इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा गया था, बिकॉज यहाँ पे एक तरफ आपका ये जो ग्लिसरल्डिहाइड-3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसके साथ साथ उसकी फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है, यानी उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच भी हो गया। सो इस रिएक्शन के नेम से ही आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री भी समझ आ गई कि एक्चुअली इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन इवेंट कपल्ड है। सो ऐसा कोई सा भी रिएक्शन जिसमें फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन के साथ कपल्ड होती है या ऑक्सीडेशन के बाद फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच होता है, उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हो, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, जो फाइनल यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस वन, दिस प्रोडक्ट इज नाउ, ये एल्डिहाइड नहीं होगी अब, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद प्रोटॉन रिमूव हो चुका है और उस प्रोटॉन की जगह किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। सो अब ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में। इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी दिस विल बी 1,3-bisphosphoglycerate। ये जो 8 की सुफिक्स है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि नाउ दिस इज नॉट एन एल्डिहाइड, दिस इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। सो ये आपके पास एक 1,3-bisphosphoglycerate और ये आपके पास दूसरा 1,3-bisphosphoglycerate का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। अब 1,3-bisphosphoglycerate का नेम सुन के आप लोगों को एक चीज़ याद आ गई होगी कि मैंने ATP के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाया था, एक एनर्जी चार्ट आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ATP की इस हाइड्रोलिसिस चार्ट के ऊपर इंटरमीडिएट पोजीशन है, ठीक है। और आपके पास सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से भी ज़्यादा होती है, जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपने पढ़ा था, क्रिएटिन काइनेस पढ़ा था और फॉस्फोइनोलपाइरुवेट पढ़ा था। याद है ये तीनों कंपाउंड्स? यस। ठीक है, आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इन तीनों कंपाउंड से रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो एटीपी से ज़्यादा होती है। यानी अगर आप 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस देखो, यहाँ पे अगर हम इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस को कंपेयर करें जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये ब्रेक होगा तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -49.3 किलोजूल पर मोल। और दूसरी तरफ अगर आप एटीपी की फॉर्मेशन की बात करो, ठीक है, आप ये कहते हो कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -30.5 किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप देखो या एटीपी की फॉर्मेशन की बात करो तो फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बजाय इसके कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से निकलने वाली इतनी एनर्जी को कहीं वेस्ट किया जाए, फौरी तौर पे इस एनर्जी को यूज करते हुए एक एटीपी मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन करवा दी जाती है सेल के अंदर। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 7 ग्लाइकोलाइसिस का, इस स्टेप में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इमीडिएटली जैसे ही 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस की बजाय हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, कि जैसे ही 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, बिकॉज दिस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एंड वी ऑल नो कि जितने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, दीज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। वो तो पहले ही इस कोशिश में होते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए, उनके ऊपर अटैक करे और वो अपनी अनस्टेबल से कौन सी स्टेट में चले जाएं, स्टेबल स्टेट को अडॉप्ट कर लें। सो दिस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल और अगर एडीपी का न्यूक्लियोफाइल, एडीपी में प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हैं, वो इसके ऊपर अटैक कंडक्ट करेंगे, सो इट विल इमीडिएटली रिलीज इट्स फॉस्फोराइल ग्रुप। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि जब भी आपका कोई न्यूक्लियोफाइल फॉस्फेट के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप अपना वीक बॉन्ड ब्रेक करके इमीडिएटली उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैच हो जाता है। सो अगर न्यूक्लियोफाइल एडीपी है, इसका मतलब है कि ये फॉस्फोराइल ग्रुप किस में ट्रांसफर होगा? एडीपी को ट्रांसफर हो जाएगा और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रिएक्शन को, जो आपके पास यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन का रिएक्शन है विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसको फेवरेबल बना देगी। ठीक है, यानी जो आपके पास टोटल एनर्जी है -49.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी या -49.3 किलोजूल पर मोल एनर्जी, उसमें से 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन में यूज हो जाएगी और जो रिमेनिंग आपके पास कोई 18 या 19 किलोजूल पर मोल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। सो आपने फौरी तौर पे एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी को सेव कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सो 7 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस और इसका फंक्शन क्या है? इससे पहले भी आपने कुछ काइनेसेस पढ़े हैं। ठीक है, हेक्सोकाइनेस, PFK1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, लेकिन वो एटीपी को फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर के तौर पे यूज कर रहे थे। इस केस में आप लोग दोबारा से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो काइनेस है वो किसी दूसरे कंपाउंड से फॉस्फोराइल ग्रुप को पिक करता है, उसको एज अ डोनर यूज करता है और इस फॉस्फोराइल ग्रुप को डोनेट करता है कहाँ पे? एडीपी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ कि पे ऑफ फेज के पहले स्टेप के अंदर एनएडीएच की प्रोडक्शन हुई एंड बिकॉज वी ऑल नो कि पे ऑफ फेज में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंटर होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 एनएडीएच बनेंगे, 2,1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट अपने फॉस्फोराइल ग्रुप्स 2 एडीपीस को ट्रांसफर करेंगे तो वी विल गेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दिस टाइम फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिलीज हो चुका है। सो अब आपके पास ये जो ग्लिसरेट है इसमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप है एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज द पार्ट ऑफ कार्बन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि ठीक है एटीपी तो बन गया, नेक्स्ट इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ क्या होगा। ठीक है, इन दिस स्टेप 8 आपका ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर अगेन एक एंजाइम है आइसोमेरेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेज। म्यूटेज और आइसोमेरेज में क्या डिफरेंस है? आइसोमेरेजेस आपके ऐसे एंजाइम्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप की रीअरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे आपने अभी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज को डिस्कस किया है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज को डिस्कस किया है, बट म्यूटेजेस आर दोज आइसोमेरेजेस या ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप की रीअरेंजमेंट करवाएंगे और मोस्टली वो ग्रुप कौन सा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। सो सिंपली आप यहाँ पे भी एक इंटरनल रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख रहे हो जिसमें आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैच था, दिस फॉस्फेट ग्रुप जो है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? सेकंड कार्बन के ऊपर, और सेकंड कार्बन के ऊपर ये जो प्रोटॉन था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? थर्ड कार्बन के ऊपर। सो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है? रीअरेंजमेंट हो रही है ग्रुप्स की, ठीक है, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। अभी थोड़ी देर में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रीअरेंजमेंट ज़रूरी क्यों थी, ठीक है, इस रीअरेंजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। सो अब आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, यानी जो आपके प्रीवियसली 2 मॉलिक्यूल्स थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, उन दोनों मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट हो गई और आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं किसके? 2-फॉस्फोग्लिसरेट के। ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट स्टेप नंबर 9 में एंटर होंगे। ग्लाइकोलिसिस का जो 9th स्टेप है उसके अंदर जैसे ही आपके पास जो है वो ये मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो देयर इज एन एंजाइम इनोलेज एंजाइम, ठीक है, ये यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और उस वाटर मॉलिक्यूल के जो सोर्सेज हैं वो आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं कि कार्बन नंबर 2 से आपका प्रोटॉन और कार्बन नंबर 3 से आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन दी फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाएगा एंजाइम इनोलेज। इसी तरह से जो आपका 2nd मॉलिक्यूल है 2-फॉस्फोग्लिसरेट का, उसमें भी यही रिएक्शन होगा कि वहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो टोटल आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2 स्टेप्स के अंदर जो हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, ठीक है, और वाटर को रिलीज करने के बाद ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ऑब्वियसली यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो यू विल गेट अ प्रोडक्ट फॉस्फोइनोलपाइरुवेट। सो स्टेप 9 में आपके पास फॉस्फोइनोलपाइरुवेट प्रोड्यूस हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ से भी इस बात को पिक कर लोगे जैसे मैंने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के टाइम आप लोगों से कहा था कि जब भी सेल के अंदर एटीपी से ज्यादा एनर्जी का कोई मॉलिक्यूल बनता है तो फौरी तौर पे उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यानी जैसे ही कोई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना और हमें ये पता है कि इसकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर हम फॉस्फोइनोलपाइरूवेट की एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस देखें तो ये कोई अबाउट -67.9 किलो जूल पर मोल है। और जो आपके पास एटीपी फॉर्मेशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए है वो +30.5 किलो जूल पर मोल है। सो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड की एनर्जी को यूज़ करते हुए आप एटीपी की फॉर्मेशन करवा सकते हो, ठीक है। सो ये कंपाउंड ऑलरेडी अनस्टेबल है, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है। सो अगर इसके ऊपर एडीपी का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, दिस इज़ एन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और हाई एनर्जी मीन्स कि दिस इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। और इसके फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगी पायरोवेट, दिस प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। सो अगर इसे कोई एंजाइम ऐसा मिल जाता है जो कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस करता है, बिकॉज हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि ये वाले रिएक्शन से हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से एसोसिएट होते हैं। सो अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस कर देता है, सो आपका फॉस्फोइनोल पायरोवेट बड़े एफिशिएंटली फॉस्फोराइल ग्रुप को डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकता है। सो हेयर वी हैव एन एंजाइम pyruvate kinase, and in the presence of this enzyme ADP will conduct a nucleophilic attack on this phosphate, और इस nucleophilic attack की वजह से this bond will be break और phosphoryl group transfer हो जाएगा किसको, nucleophile ADP को, और ADP किस में convert हो जाएगा, ATP में। और पीछे आपके पास जो structure है phosphoenol pyruvate का, वो किस में convert होगा, पायरोवेट, ठीक है। सो अगेन आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट, दे विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, विच इज एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस एनर्जी कैलकुलेशन के बाद हम ग्लाइकोलाइसिस की जो एक नेट बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, वो भी लिख लेंगे। बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमने किसी पाथवे के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो हम हमेशा एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को भी माइंड में रखते हैं, और एनर्जी की जो आउटकम है या एनर्जी की प्रोडक्शन उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर और आउटकम, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम जो नेट एनर्जी यील्ड है ये कैलकुलेट करेंगे। दिस इज नेट एनर्जी यील्ड। इट मींस कि आपने एक्सपेंडिचर भी देख लिए और आउटकम्स में से उन एक्सपेंडिचर्स को माइनस भी कर दिया। सो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, ओके, आपके पास एनर्जी का एक्सपेंडिचर एक हेक्सोकाइनेज के स्टेप पे हुआ है, दूसरा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के स्टेप पे हुआ है, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में कोई एटीपी ना प्रोड्यूस हुआ है ना कंज्यूम हुआ है, फिफ्थ स्टेप में भी कोई एटीपी इन्वॉल्व नहीं है। स्टेप नंबर 6 में अगर जाएं तो यहाँ पे भी एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ, स्टेप 7 में भी एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ बल्कि एटीपी बना है, स्टेप 8 में भी एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ, 9 में भी नहीं हुआ और 10 में भी नहीं हुआ। सो आप कह सकते हो कि आपकी एनर्जी कैलकुलेशन में जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 2 जगह पे हुआ है, एक हेक्सोकाइनेज के स्टेप पे, एक एटीपी कंज्यूम हुआ है, प्लस साइन में यहाँ पे लगा रही हूँ, और दूसरा है आपके पास फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज 1, यहाँ पे आपका एक एटीपी क्या हुआ था, कंज्यूम हुआ था। अब हम देखते हैं आउटकम में कि NADH या एटीपी प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होते हैं और कितने कितने एटीपीज या एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। सो अगेन ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन को अगर देख लें, मेरे ख्याल से यहाँ से सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं या सिंपल पाथवे जो एक डायग्राम थी, दिस वन, यहाँ से आप देख लो। प्रिपरेटरी फेज में तो कहीं पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, पे ऑफ फेज में आपके पास पहले स्टेप के अंदर 2 एनएडीएच की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 7th स्टेप के अंदर 2 एटीपीज की प्रोडक्शन हो रही है, 9th स्टेप के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और 10th स्टेप के अंदर 2 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं आउटकम में हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस ये वो एंजाइम है जो कि 2 NADH को प्रोड्यूस करता है। देन वी हैव एंजाइम 7th स्टेप पे जो था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, जो कि 2 ATPs को प्रोड्यूस करता है। और 10th स्टेप पे आपके पास एक और काइनेज था पायरोवेट काइनेज जो कि 2 ATPs को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और आपके पास 8 स्टेप में इनोलेस ने 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए थे, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी कैलकुलेशन में हम ऐड नहीं करते, इसलिए मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की आउटकम तो थी। अब जब हम नेट यील्ड लिखते हैं या नेट एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, तो नेट एनर्जी कैलकुलेशन मीन्स कि जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है फाइनल आउटकम में से आपको वो माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो 2 एटीपीज यहाँ पे आपने यूज़ किए थे प्रिपरेटरी फेज में, आपको वो अपनी नेट इक्वेशन में से माइनस करने पड़ेंगे, बिकॉज ये 2 एटीपीज उन एटीपीज के कंपनसेशन के तौर पे यहाँ पे यूज़ होंगे जो आपने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। सो जो नेट इक्वेशन आपकी ग्लाइकोलिसिस की होगी उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इस इक्वेशन में आपके पास 2 NADH और 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये अब कैंसिल हो गए हैं आपके पास। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है, सो वो 2 NAD+ को यूज़ करता है, 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ तो मैंने लिखी नहीं, पायरोवेट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और यहाँ पे आप ऐड करोगे वाटर को भी, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कि किस तरह से आपका ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और पायरोवेट के साथ साथ आपके पास और कौन से मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस में।